तो मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और 1 फरवरी को एमपी में कोरोना पीक पर पहुंच जाएगा, ये दावा है आईआईटी कानपुर के पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का। मनिंद्र अग्रवाल का दावा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में प्रदेश में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ेंगे। 25 से 30 जनवरी के बीच 19 से 20 हजार केस आ सकते हैं। कोरोना का पीक 1 फरवरी को आएगा, तब प्रदेश में एक दिन में अधिकतम 38 हजार केसेस आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि तीसरी लहर की रफ्तार को कमजोर करने के लिए पाबंदियां नहीं लगाई और लोग कोरोना गाइडलाइन का यदि पालन वो करते हैं तो फरवरी के पहले सप्ताह में इसका ग्राफ नीचे आ जाएगा यदि पाबंदियों को बढ़ाया जाता है। तो अगर पाबंदियां नहीं बढ़ाई गई तो मार्च तक तीसरी लहर के पीक के नीचे आने की उम्मीद है। प्रोफेसर अग्रवाल ने इसकी स्टडी रिपोर्ट सरकार को दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोरोना की जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना को लेकर 5 दिसंबर को आपात बैठक बुलाई और उसमें प्रोफेसर अग्रवाल की रिपोर्ट के आधार पर तैयारी रखने के निर्देश अफसरों को दिए गए थे। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संभव है कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए आवश्यकता अनुसार अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाए।